नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से कहा जा रहा था कि यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। इतना ही नहीं, यहां तक कहा गया कि यूपी में योगी को हटाकर प्रदेश में नया मुखिया लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मामला ठंडा हो गया। लेकिन एक बार फिर खबरें सामने आ रही हैं कि योगी सरकार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यूपी भाजपा की तरफ से ये संदेश मिल रहे हैं। दरअसल भाजपा नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भागकर दिल्ली गए, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में भाजपा कई बदलाव कर सकती है। केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन में भी बड़ा बदलाव संभव है। ये बदलाव विधानसभा उपचुनाव के बाद होंगे। खबर है कि यूपी में सीएम के चेहरे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को हुई यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया गया, जहां केशव और भूपेंद्र ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। माना जा रहा है कि नड्डा ने दोनों नेताओं से लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने और यूपी में भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की है। तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। ये बैठक सीएम योगी के आवास पर हुई। इस बैठक में आगामी उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। दरअसल यूपी बीजेपी इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर इतनी गंभीर है कि इसे इस बात से समझा जा सकता है। इस मीटिंग में राज्य के कई बड़े नेताओं को बुलाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी के अंदर जबरदस्त मंथन चल रहा है। बीजेपी में ये हलचल हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है, जहां बीजेपी को मनमाफिक सफलता नहीं मिली और भाजपा के वोट बैंक में भी भारी अंतर देखा गया। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद यूपी की सियासत की गर्मियां और बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि बैठक में ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए सबको कहा गया है जिससे जनता के बीच गलत मैसेज जाए। केंद्र और राज्य सरकार का पूरा फोकस अभी सिर्फ उपचुनाव पर है। जो गलती भाजपा ने लोकसभा चुनाव में की, उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन में फिलहाल अभी आंशिक बदलाव हो सकते हैं। संगठन के कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, उनकी जगह पर कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। संभावना ये भी है कि जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, उनको सबसे पहले हटाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है, जो किसी के लिए फायदेमंद तो किसी के लिए खतरा बन सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।